हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आज के स्टूडियो में खेलने वाले हैं पैल वर्ड, जो कि पिछले एपिसोड में आपको याद ही हो हमने क्या करा था। हमने अपने लिए एक बना लेते थे प्राइमेटिव वर्ब पेंच तो बना ही लिए थे, उसके साथ हमने रिपेयर टेबल बना ली थी और उसके साथ साथ हमने बना लिए थे एक सैडल वाली वर्क बेंच जो होती है जिसमें सैडल वेडल बनते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक तेडियर को भी यहाँ पे टेम करा था पिछले एपिसोड में, बहुत सारी चीजें करी थी। अगर आप वाला एपिसोड देखना चाहते हो पिछला एपिसोड देख सकते हो। तो आज की वीडियो में क्या आने वाले, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं एक फ्लायर को पकड़ने, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी फ्लायर नहीं है। और उसी के साथ साथ आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना एक बेस, यहाँ पे मैं अपना एक बेस बनाने वाला हूँ जिसमें हम जो है अपना सामान रख सके बढ़िया बढ़िया, और जो मतलब एक बेस हो जाए अपने पास, ठीक है, इस वर्ल्ड में अपने लिए। और इसी के साथ साथ हमने एक एग इनक्यूबेट करने के लगा था जिसको एक मिनट बाकी है, एक मिनट में ये भी हो जाएगा। और पता चला इसमें क्या निकला, तो इसमें लिखा ह्यूज कॉमन एग सेम जस्ट बी ए लिटिल कोल्ड, इनक्यूबिंग स्पीड 50% प्लस है, जो सही है। और इसमें रिक्वायर्ड किडलिंग भी दिखा रहा, तो ये भी देखते हैं ये भी होने वाला है। और हमने ये भी लगा देते हैं फर्नेस, तो फर्नेस में जितने वो और बन रहे हैं इसको भी लगा देते हैं। और अपनी जो फॉक्सवेल है, फॉक्सवेल ही नाम था ना इसका, फॉक्स पार्क, ये भी इसको करते रहिए आराम से। और मेरी देखो ये वाली जो डेड ट्री बनी अभी भी ग्लिच है, ये अभी भी मतलब मेरे साथ ही है। और चाहे मैं दूसरा पाल भी निकाल लूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ही है, तो इसका पता नहीं क्या है, अपने आप क्या पता सही हो जाए। मैंने रिस्टार्ट मारी थी लेकिन ये अभी तक सही नहीं हुआ है। और इसकी जगह पे हमने ये लगा रखा है ना, और अपनी गैदरिंग वाला भी लगा रखा है ताकि ये जो वुड वुड आए ये भी गैदर कर ले। ये अपने पास जो भी इंगट है यार उसको भी लगा देते हैं, सारे इंगट यहाँ पे लगाए थे, कितने बन, एक ही बन रहा है यार। अपना एग हो गया क्या, हाँ हाँ हो गया अपना एग, तो क्या होल्ड इंक्यूबेट एग, ठीक है। तो इसको होल्ड करे रखते हैं और देखते हैं अपने एग में से क्या निकलेगा। मेलफसा वाज बॉर्न, मेलफसा इसके क्या रनर, रनर है ये एक तरह का, तो इसको भी निकाल के देखते हैं कैसा रनर मिला है हमको। और ये बॉस वाले मिला है मेलफसा, क्योंकि ये जो ईवल वाला साइन होता है बॉस वाले में आता है मेरे ख्याल से। एक बार इसको भी राइड करे देख, राइड करने के लिए मेरे ख्याल से सैडल की जरूरत होगी। हाँ यार सैडल बनानी पड़ेगी उसके, कितना बड़ा है भाई सब, एक लेवल का है। तो इसकी सैडल देखते हैं, इसकी सैडल अपने पास है नहीं है, इसकी सैडल ओपन करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी के टाइम में। तो इसकी सैडल हम बना तो सकते हैं, बस हमें वूल चाहिए, तीन वूल और चाहिए। तो इसमें देखता हूँ कहीं पे पड़ा होगा, दो तो ये रहा, और अपने पास कितने, दो दो ही वूल है, दो ही वूल है यार, तीन वूल और चाहिए हमें, तो तीन वूल यार लेकर आते जल्दी से। और वूल के लिए एक तो ये यार इसको भी पहन लेते हैं, कहाँ लुढ़कता जा रहा है, ये मर गया क्या, मर गया होगा। और दूसरा वूल भाई साहब, दूसरा वूल कहाँ से लाए, इसको अंदर रखो, पैदल ही चलते यार। तो अपने पास यार बूल तो आ चुका है, और इसकी एक बार सैडल बना के देखते हैं और देखते हैं कितनी स्पीड है यार इसकी। और अपने उसको भी निकाल लेते हैं बाहर, ये जल्दी काम करवा दे कैप्टिवा। और एक कहा जा रहा है इसको पत्थर तोड़ने की ज्यादा जल्दी है भाई, काम करवाने की ज्यादा जल्दी नहीं है, तो कोई नहीं यार हम ही हाथ बटवा देते हैं। चलो अपनी इसकी भी सैडल बन चुकी है, और इसको एक बार बाहर निकाल के देखते हैं यार, ये भूख पहले लग जाती है यार, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्पीड कैसी है, इसकी डबल जंप नहीं है लेकिन स्पीड यार ठीक ठाक है, ज्यादा वो नहीं है। इसके स्टैट्स देखूँ अगर मैं एक बार पेलडेक्स में जाके, नहीं पेलडेक्स में नहीं, पार्टी में जाके, तो इसके देखो रनर 20% इंक्रीज और मूवमेंट स्पीड है, और पॉजिटिव थिंकर ब्रेव, ब्रेव है। और फार्मिंग में काम आता है, ठीक है, ये भी सही है, एक्स से निकला है। तो अपने को यार जो ये वाला है ना इसको भी, इसके भी जो है लेवल बढ़ाना है, क्या कहते हैं इसको, पेलडेक्स, इसका भी जो लेवल हमें बढ़ाना है आज। तो कितना लेवल है इसका, पहले मैं लेवल देखूँ। इसमें कहना है बिल्ड बेरी प्लांटेशन, तो मतलब फार्मिंग वार्मिंग वाला काम है, बेरी प्लांटेशन। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपनी बेस बनाए नहीं बनाए, क्योंकि ये जगह ना मेरे को बहुत छोटी सी लगने लगी है। और वहाँ पे देखो सामने कितनी बड़ी जगह है, मैं वहाँ पे कह रहा हूँ देखो कितनी बड़ी जगह है वहाँ पे, और ये जगह मेरे को थोड़ी छोटी सी लगने लगी है। यहाँ से चालू होता है वहाँ पे खत्म होता है, तो मैं सोच रहा हूँ जो अपना बेस है वो थोड़ा शिफ्ट कर ले। लेकिन आगे चल के यार हमारे और भी पेलडेक्स लोग होंगे, हो सकते हैं वहाँ पे जो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो अपना जो बेस है ना यहीं पे बनाते हैं। तो एक बार जो हम ना अपने इसको निकाल लेते हैं, एक तड़ियर को निकाले ताकि वुड वुड इकट्ठी करते रहे अपने पास, और अपने को बहुत ज़्यादा जो है वुड की जरूरत होगी। और एक जो चेस्ट है ना मैं यहीं पर लगा देता हूँ ताकि आराम से पास पास में हमको जो है वुड भी मिल सके। एक जो मैं इसके पास लगा देता हूँ ते भी बन जाएगी। और जो अपना बेस का काम करते हैं, थोड़ा सा बेस मेरे को और बड़ा करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से इसको हटाना पड़ेगा। तो बिल्ड में आके अगर मैं सीधा आऊँगा तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। तो ये बेस यार मैंने अभी किसी का देखा नहीं है कि ऐसे बनाना है या वैसे बनाना है, बस जैसे बन रहा है ना वैसे बनाए जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना सही रहेगा, इतना इस साइड से भी एक निकालना है यार मेरे को, ये स्टोन बीच में आ रहा है, इस स्टोन को हटाना पड़ेगा। तो भाई साहब एक इससे कितना मिलता है हमें, ये टूटे जा रहा है, टूट ही नहीं रहा यार ये, चलो इतना मेरे ख्याल से बहुत रहेगा।
अब जो अपनी मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक इसके सामने लगा लेता हूँ, एक यहाँ पे लगा लेता हूँ, और यहाँ पे क्यों नहीं लगा पा रहा मैं, ये चलो एक यहाँ पे हो गया, अब लग गया ना। और इसका और आगे करना है, एक और आगे करना है, ठीक है ये हो गया हमारा। मैं सोच रहा एक और इस साइड लेके जाऊँ क्या, एक और इस साइड लेके जाता हूँ, बस ये बीच में आ रहा है तो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा पहले, और मेरी स्पेस ही भर रही है, स्पेस खाली करके आनी पड़ेगी। स्टोन सारा हटाओ, 118 स्टोन हो गया अपने पास। चलो ये तो हट गया, अब यहाँ पे जल्दी से लगा देता मैं, नीचे दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, हाँ लगा सकता हूँ, और एक लगाना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को जो है वॉल लगानी है, तो वुडन वॉल ये रही, तो मैं एकदम डायरेक्ट पीछे से लगाता हूँ ना यहाँ पे, और यहाँ से मैं एक विंडो लगा दूंगा, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ से सही है ना, यहाँ से मैं ये छोड़ दूंगा, ये वाला नीचे है मेरे को, एक ये वाला नीचे है मेरे को, ठीक है। और इसके जो वुड वॉल, हाँ यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह दूंगा ताकि अपने जो बाहर भी यहाँ पे काम हो सके। और यहाँ पे मैं एक विंडो वाला लगाता हूँ, ठीक है, एक विंडो वाला यहाँ पर हो गया। और उसके बाद सारी जो अपनी वॉल रहेगी यहाँ पे, और मैं यहाँ से भी एक एक छोड़ू, नहीं यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं छोड़ूंगा एक एक, और यहाँ पे जो अपनी डोर रहेगी यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे रहेगा हमारा कुछ। और मैं यहाँ पे ना बाहर भी सामान जो है लगा सकता हूँ, और इसके आगे मेरे को एक ये भी लगाना है, और ये नीचे क्यों नहीं लग रहा है यार, ऊपर क्यों लग रहा है, एक मिनट यार, मेरे को इसको नीचे लगाना है, ये ऊपर लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को इसके लिए, ये ऊपर लग रहा है, ऊपर नहीं लगाना मेरे को, यहाँ पे नीचे लगाना है यार। वुडन रूफ है ये, तो ये ऊपर वाली हो गई, मेरे को इसके नीचे लगाना है, तो नीचे कैसे लगाऊं यार, ये ऊपर ही प्लेस हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ो कोई बात नहीं। और अंदर से मसला, इस साइड भी मेरे को एक विंडो लगानी यार, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर एक विंडो लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, पहले मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ पे तोड़ो, और यहाँ पे भी विंडो लगाने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पे भी विंडो लगाता हूँ, ठीक है ये सही है। और इसके बगल में भी एक विंडो लगा दो, यहाँ पे भी एक विंडो लगाता हूँ मैं, ठीक है अब सही लग रहा है। और रात भी हो रही है, एक बार ये सो सकते हैं क्या। अच्छा रूफ चाहिए यार उसके लिए, तो पहले एक रूफ बना लेते हैं टेम्परेरी जल्दी से, रूफ एक बार सुबह कर लेते हैं यार, उसके बाद सारा जो काम है सुबह करेंगे जल्दी से। तो चलो यहाँ पे सुबह भी हो गई, और मेरा गेट किस साइड था भाई, इस साइड था ना। और अपन देखो क्या वुड इकट्ठी हो रही है भाई, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, सारी वुड की तोड़ देगा। और ये अपना काम कर रहा है क्या, सारे काम कर रहा है, बढ़िया है। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी फायर का कोई काम नहीं कर रहा, तो इसकी जगह पे मैं ये निकाल लेता हूँ, ताकि अपना ये भी इकट्ठा करते रहे। अब मेरे को अंदर से एक सीढ़ी लेके जानी है जो हम ऊपर जा सके, तो सीढ़ी के लिए ये इसका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है बढ़िया हो गया ये भी। और एक मैं और आगे निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, थोड़ा अपन उसकी तरह लगेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं अपना रूफ, ठीक है रूफ निकाल लेते हैं, ये अपना सेकंड फ्लोर हो जाएगा, ठीक है अपना सेकंड फ्लोर हो गया। और एक एक आगे और निकालना है मेरे को यहाँ से, एक वो नहीं निकालना मतलब छज्जा सा निकालना है, तो यहाँ पे लगाया था मैं, ठीक है ये अपना छज्जा हो गया। अब क्या करूँ, अब मेरे को वॉल निकालना है दोबारा से, और मेरे को वॉल को भी इतना रखना है, नहीं इतना रखना है यहाँ तक, ठीक है इतना छोड़ देना है। और यहाँ से एक वुडन डोर निकालना है, ये हो गया। अब छज्जे के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ है बढ़िया चीज, ये लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ ना, अभी थोड़ी ये घर की शेप लेने लग गया हमारा, देखो थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यार सही है। तो मुझे यहाँ पे बीच में एक डोर देना चाहिए था यार, बीच में डोर देना चाहिए था, मैंने गलत जगह दे दिया, एक मिनट रुको यहाँ पे इसको तोड़ के, और एक जो है मैं डोर यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको तोड़ के मैं जो है खिड़की वाला दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ये दे देता हूँ यहाँ पे, ऐसे मैं उस साइड कर दूंगा, यहाँ पे भी एक मैं जो है विंडो वाला लगा दूंगा। और पता क्या करना है मेरे को, मेरे को यहाँ से बंद नहीं करना है, ये बंद बंद सही नहीं लग रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ अंदर जाके, ये वाले हटा देता हूँ, मेरे को ये वाले सही नहीं लग रहे। तो यहाँ पे इतना तो सही है यार, अब क्या करूँ मैं, अब मेरे को इसकी रूफ भी बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको दो हाइट का बनाऊँ या एक हाइट का ही बनाऊँ। एक काम करते हैं ना, ऊपर वाले यार दो हाइट का बनाते हैं, बस ये जो रैंडमली मैं लगाते जा रहा हूँ, और जो बढ़िया लग रहा है मेरे को वो करते जा रहा है यहाँ पे मैं, ठीक है इतना सही रहेगा। और उसके बाद मैं क्या करूँ, इसके ऊपर छत भी बनानी है यार, एक छत बना लेते हैं, और एक पहले रास्ता बना लेते हैं मैं ऊपर जाने का, यहाँ से बना लेता हूँ रास्ता, ताकि हम ऊपर भी जा सके यहाँ से, ठीक है ऊपर जाने का रास्ता ये सही है। उसके बाद जो है मैं ये निकाल लेता हूँ रूफ, ठीक है। तो अपना ये थोड़ा यार ऐसा सा लग रहा है, जो कि खाली खाली सा लग रहा है, और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं इसको आगे से दीवार लगा दूं, जैसे ही खाली खाली रखो। एक काम करता हूँ, ऊपर वाली जगह पे दीवार लगा देता हूँ, ठीक है ऐसा सही है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्लाइड वाली लगा सकता हूँ, तिरछी वाली होती है ना वो लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि वाली होती है ना। और कौन कौन से इसमें, वुडन वॉल है, ये है ये है, ये रूफ है, ये भी है ना, इसको भी तो हम यूज़ कर सकते हैं यार। पहले इसको यूज़ करता हूँ मैं, इसको जो है ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ये थोड़ी डिज़ाइन देगी, मस्त लगेगा ये, ठीक है ये ऐसे सही है। और इसको हम छत को ना ऐसी खुली रखेंगे, ताकि हम जो है आसपास का यहाँ पे जो है नज़ारा दे सके,
और अपने पास कौन कौन से मॉब है इसमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे पता नहीं क्या डब्बा डब्बा सा लग रहा है, लेकिन यार अब ऐसे ही यार, अब क्या करें, अब यही है अपना बेस। और जो मैं सामान है ना ये सारा इसके यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे ये हो गया ना, इसको मैं उठा गया सकता हूँ, इसको मैं उठा नहीं सकता, ये वापस तोड़ना ही पड़ेगा। ये यार तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, और ये सारा मैं यहाँ पे, ओ भाई साहब हैवी हो गया, तो सारा सामान मेरे को इसमें रखना पड़ेगा। तो अपनी सारी वुड और स्टोन है इसमें रख देते हैं, और बाकी का सारा सामान भी यार इसमें नहीं रखेंगे, फिर जगह भर जाएगी, फिर वो रख ही नहीं पाएंगे इसमें। और इसको भी मैं थोड़ा हटा के साइड में कर देता हूँ बेड को अपने, ठीक है, अपने बेड को मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, इतना सही है, ऐसे कोने में बढ़िया सही है अपना बेड। और मैं इसको बुला लेता हूँ, ये थोड़ा अपना काम करवा देगा अंदर का। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी चेस्टें रख सकता हूँ सारी, अगर मैं अपनी चेस्टें अंदर रख दूँगा तो ये अंदर आके जो सामान रखेगी यहाँ पे, तो ये थोड़ी दिक्कत है यार। तो एक काम करते हैं ना, चेस्ट यहाँ पे रख लेते हैं अपनी बाहर सारी, यहाँ पे मैं एक और जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको यार यहाँ पे तोड़ो, मेरे को यहाँ पे चेस्ट रखनी अपनी, और यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपनी चेस्ट भी आ जाए यार सारी। और भाई ये लग क्यों नहीं रहा, लग गया लग गया, ठीक है, अपनी तीन चेस्ट यहाँ पर आ गई। इसी के बगल में अपना वो रख देते हैं, एक प्राइमरी वर्क बेंच यहीं पर रख देते हैं एकदम बीच में, उसके बाद अपनी रिपेयर बेंच भी यहीं पर रख देते हैं। ये और भी पीछे हो सकते थे क्या, अबे उल्टा रख दिया हमने ये, और ये भी उल्टा रख दिया, रुको रुको सी से कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल करो, और ये भी दोबारा निकाल लो वर्क बेंच। हाँ अब ऐसे ही थी, एक काम करता हूँ यहाँ पे रखता है एकदम सामने अपने, ठीक है, और इसके साथ रिपेयर बेंच भी यहाँ पे रखता हूँ मैं, और उसके बाद जो अपने है पाल गियर वर्क बेंच भी यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ये भी लगी। और उसके साथ साथ हमें क्या लगाना था, एक इनक्यूबेटर भी लगाना था ना, और फर्नेंस में इस साइड लगाया था थोड़ा, चलो ये तो हो गया, और क्या लगाना है मेरे को, एक ये एग इनक्यूबेटर भी लगाना है, तो एग इनक्यूबेटर बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे भाई साहब, जो उन सभी नया पाल आएगा यहीं से आएगा, तो यहाँ पे रख सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे मैं रख नहीं पा रहा, तो इस साइड में रख देता हूँ, इस साइड में नहीं रख पा रहा, तो मैं इस साइड रख के देखता यार, या फिर इसके लिए एक दूसरी जगह बनाएगा, इसको मैं अंदर रख देता यार, अंदर रख सकता हूँ मैं, हाँ अंदर रख सकता हूँ ना, अंदर रख देता हूँ, ठीक है, इसको अंदर लगा दिया हमने। और उसके बाद जो हमें क्या लगाना है, और एक ये भी हमारा खुला है नया, इसके लिए लेकिन इंगट चाहिए होगी, वो भी हमारे पास 11 इंगट है, 9 इंगट और चाहिए होगी, तो इंगट के लिए यहाँ पे भाई सारे पाल कहाँ गए यार, अपने काम ही नहीं करवा रहा कोई, तो ये अब आया भाई, कहाँ चले गए थे सारे भाई, कोई भी काम नहीं करवा रहा था अपना, ऑना शॉर्ट ब्रेक, ऑना शॉर्ट ब्रेक, भाई साहब सारे ही ब्रेक पे चले गए थे, कि चाय नाश्ता कर रहे थे क्या, काम करो चुपचाप से। और उसके बाद क्या लगाना था मेरे को, हाँ इंगट, इंगट देखते यार इसमें इंगट लेकर आता है पहले, चलो ये तो हो जाएगा, जब तक अपने इंगट लेके आते, यहाँ पे हमें बहुत सारे और चाहिए हुए ताकि हम 20 इंगट बना सके, 20 के लिए अपने पास 11 तो है, 9 और बनानी है, तो हमें 18 और चाहिए होंगे, तो जितने भी और मिलते हैं ना यहाँ से सारे लेके चलते हैं, जब तक अपना जो है वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि और भी तो और चाहिए होंगे ना हमें और काम के लिए, तो सारा लेके चलते हैं यहाँ से। तो हमारा वेपन ये डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसको रिपेयर कर लेते हैं, रिपेयर बेंच ये वाली है ना, नहीं ये वाली रिपेयर बेंच है, तो यार अपना वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया, हम चल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो सारे इंगट सारे और अपने इसमें रख देते, 59 और हो गए अपने पास, और निकालते हैं अभी, जितना निकलता है ना इसमें सारा निकालते हैं, क्योंकि दोबारा दोबारा में कैसे स्पॉन होते रहते हैं, तो दोबारा यहीं पे स्पॉन हो जाएगा, दोबारा निकाल लेंगे ऐसे, तो जो अपना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमको। तो चलो ये वाला और तो ख़त्म हो गया यार, और अपने जितने भी इंगट है ना सारे इसमें लगाए थे, और ये यार इसमें काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छा पहले गैदरिंग का काम कर रहे हैं उसके बाद करेंगे। और अपनी जो एक पाल है वो तो भाई साहब शॉर्ट ब्रेक पर है, तो इस शॉर्ट ब्रेक को खत्म करने के लिए अगर है, बहुत बढ़िया शॉर्ट ब्रेक करो भाई, अपना काम मत करवाओ बस, मैं अपने कैप्टिवा को बुलाता हूं यार, कैप्टिवा काम करवाया अपने साथ। तो मेरे को एक पाल ऐसे चाहिए जिसका हैंडवर्क ये दो या तीन हो यार, इसका एक है देखो, एक में इतना बढ़िया काम करवा रहा है, दो या तीन होगा तो फिर क्या ही होगा। चलो अपने ये तो हो गया, और अपने जितने भी और है ना सारे यहाँ पे बनाने के लिए रख देते हैं 53। और अपने इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को फायरफॉक्स चाहिए होगा, तो इसमें जाके मैं एक फायरफॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये अपना जाके वहाँ पे काम करवाता रहेगा, जो अपनी ओर है ना वो पिघलता रहेगा, और ये वहीं पे जा रहा है ना, फिर थोड़ा जल्दी जा यार, हाँ अपने बेस के अंदर ही है, और ये इधर उधर क्यों घूम रहा है यार, तो मेरे ख्याल से इनको जाने की जगह नहीं मिल रही, पर रुको यार पहले सुबह करता हूँ मैं। तो ठीक है अपनी सुबह भी हो चुकी है, और मैं ये देख रहा हूँ यार ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे मैंने लगा रखे इंगट और ये नीचे घूम रहे हैं, ये फायरफॉक्स भी ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, तो ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, वुडन स्टेयर यार यहाँ पे लग नहीं रहे, वुडन स्टेयर यहाँ पे लग जाते काम हो जाता, इस साइड से ट्राई मारो, यहाँ पे यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं लगाऊं कैसे वुडन स्टेयर ताकि यहाँ से ये काम हो जाए अपना, क्योंकि ये ऊपर चढ़ ही नहीं रहे इसकी वजह से। तो इसका यार कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सारे काम तो यहीं पे करवाने हैं ऊपर, अगर ऊपर ही नहीं चढ़ेंगे काम कैसे होगा, ये इसको मैं लूँ तो इसको, ये भी ऐसे है और ये भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको रोटेट करे भी कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा और लगा भी नहीं सकता ना, तो ये तो एक दिक्कत वाली बात होगी यार, अपने काम कैसे करेंगे फिर ये। तो फायरफॉक्स को फिर मेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा, फायरफॉक्स को उठा के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को,
अगर मैं इसको उठा सकता हूँ तो बी से लिफ्ट होता है ना। हाँ चल भाई, ऐसी क्या करे यार, ऐसे ही करना पड़ेगा अब। और मेरे को यहाँ पे काम तो करवाना है ना। चल काम कर वर्कबेंच। हाँ देखो अब हो रहा है यार काम अपना, उसको मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। और मेरे को यार सही में समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे लगाऊँ कैसे वो, इससे अपना काम भी नहीं हो पाएगा फिर तो। और अपने कैप्टिवा को यहाँ पे कर देता है यार, यहाँ पे काम करता रहा अपना। तो यहाँ पे इसका कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। और जो अपने और भी इंगट है ना यहाँ पे, वो भी डाल देते हैं इसी में। तो यहाँ से थोड़ा अजीब तो लग रहा है लेकिन सही लग रहा है। पता है यहाँ पे कोई स्टैचू होता है ना, यहाँ पे अपने बीच में स्टैचू लगाते हो भाई सब, और मस्त लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में मेरे को खुला खुला दिख रहा है, तो बीच में भी कुछ लगा कर आता हूँ। ठीक है आप, सही लग रहा होगा यार। हमारा यहाँ पे एक स्टैचू आ जाए, स्टैचू यहाँ पे हम लगा देंगे। मुझे पता है कौन सा वाला स्टैचू है, वो लेजेंडरी बॉस वाला स्टैचू है, वो यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे यार अपने पाल इतना ज्यादा काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक चीज बनाऊँ, जो कि मैं यहाँ पे बाहर पर डालने वाला हूँ, क्योंकि अंदर तो वो जा नहीं सकते पत्नी किसी चीज की वजह से। मतलब ये जो है ना, इसके ऊपर मेरे को वो लगाने तिरछे वाले, वो लग नहीं रहे यहाँ पे। अगर वो लग जाते ना तो काम हो जाता अपना। और इनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज बनाना चाहता हूँ, जो कि है बिल्ड में जाके, और ये है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग के लिए अपने को चाहिए पैल फ्लूड। यहाँ पे 3 पैल फ्लूड है ना, तो यहाँ पे मेरे को 7 पैल फ्लूड और चाहिए, जो कि मिलते हैं पैंगुलिट को मार के। तो पैंगुलिट को मारते हैं जल्दी से। अपने पास कितने एरो हैं, अपने पास 9 ही एरो है यार। एरो भी बनाने अपने को, 60 बना लेते हैं अपने। यहाँ पे जब तक ये बनते रहेंगे एरो, अपन जो है उसको मार कर आता है पैंगुलिट को। तो अपने पास यहाँ पे 10 पैंगुलिट चाहिए, मतलब 10 पैल फ्लूड चाहिए, जो कि 10 पैंगुलिट को मार के मिलेंगे। और पैंगुलिट यहीं कहीं घूमते रहते हैं यार। ये देखो कितने सारे पैंगुलिट घूम रहे हैं यहाँ पे। हो गया ना अपना काम, तो यहीं से चलते हैं यार फास्ट ट्रैवल, सीधे अपने बेस पे चलते हैं। और ये रहा अपना बेस। चलो अपने पास इतने पैल फ्लूड तो हो गए, तो मैं इनके लिए ये बना सकता हूँ हॉट स्प्रिंग। और मैं हॉट स्प्रिंग रखूँ कहाँ पे, यहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सके, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है यहाँ पे जो अपना काम करते रहेंगे। और मेरे को यार पैल स्पेयर भी बनाने यार बहुत ज़्यादा, मेरे पास एक भी पैल स्पेयर नहीं है यार। मैं बता, अगर कोई पैल अच्छा खासा मिल गया तो उनको मैं पकड़ूंगा कैसे। तो इसमें बनता है ना, कितने बना सकते हैं अपन, 68 बना सकते हैं। तो 68 सारे बना लेते हैं। तो अपनी कैप्टिवा को यहाँ पे काम पे ला लेते हैं। कहाँ जा रही है, अब देख रहे हो पहले क्या बनाने जा रही है। तू वापस आ भाई, तू ये बना तू। हाँ तो ये अपने ये बना, वहाँ पे जा रही है यार। पता है उस भाई, उसके लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी पहले अपना काम करवाना जो करवाना है। और यार ये हंगरी हो रही है, तो मेरे को देखना पड़ेगा इनका खाना भी यहाँ पे ख़त्म ना हो। इसमें कितना है अभी 12 बह रही है। और यहाँ पे देखो इनका अभी हॉट स्प्रिंग भी तैयार हो गया। यहाँ पे अपन ने भी बैठ के यार आराम से मस्ती करते हैं। यहाँ पे अपन भी यार आराम से हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं। वैसे उनके लिए है लेकिन कोई बात नहीं यार, अपन भी कर लेंगे। और अभी यार मेरे को पता ही क्या करना है अब, अपने यार इसका भी पैल डेक्स का भी अपने जो लेवल बढ़ाना है यार यहाँ पे। तो कितना हो गया इसका बिल्डअप बेरी प्लांटेशन, तो यहाँ पे बेरी प्लांटेशन बनानी है ना मेरे को। यहाँ पे देखते हैं बेरी प्लांटेशन एरी, तो इसको भी बिल्ड करते हैं। कहाँ पे करें बिल्ड, अपने इस साइड में करते यार। तो इसके लिए वुड चाहिए यार, इतनी वुड थी कहाँ गई सारी। तो देखो एरो मैंने वहाँ पे लगाए थे, और नहीं एरो तो यहीं पे लगाया, वहाँ पे तो अपने वो लगाया पेलडेक्स। तो ये एक चीज़, ये भी इस चीज़ सही है, जैसे दो बना लो, एक में पेलडेक्स लगा दो, एक में एरो लगा दो, और दोनों अपना काम होता रहेगा बढ़िया से। ये चीज़ सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को इसमें रखे थे ना मैंने वुड, तो दो ही वुड है यार अपने, उसमें सारे वेस्ट हो रहे। तो यहाँ पे भी तो और भी तो रखे थे ये रे वुड। और अपने इकता डियर को भी यार, वाह ओ भाई साहब, भाई साहब एक बारी में कितना होगा, 151 होगा। अपने इकता डियर को भी बाहर निकाल लेते हैं, वो जब तक अपना जो है वो इकट्ठा करता रहेगा। और यहाँ पे मेरे को एक पाल लगाना पड़ेगा भाई, तू इधर आ, तो अपनी जो है पैल बॉल बना यहाँ पे, यहाँ पे काम कर दो। बढ़िया ये पैल बॉल बना रहा है, और वहाँ पे अपना भी काम हो रहा है, तीर भी बन रहे। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे बनाने हैं, मेरे यहाँ पे बेरी प्लांटेशन बनाना है। तो बेरी प्लांटेशन भाई साहब इतना बड़ा है, तो कहाँ लाओ इसको, यहीं पर ही लगाता हूँ। ठीक है इसको भी बना लेते हैं यार, यहाँ पे बेरी प्लांटेशन अपना। और ये भी आगे काम करवाते रहे, एक बार यार इसका लेवल बढ़ गया ना, तो मैं और भी पाल यहाँ पे बुला के अपना काम करवा सकता हूँ और बढ़िया तरीके से। तो मेरी बेरी प्लांटेशन तो हो गया, तो एफ टू होल्ड सीड, यहाँ पे सीड भी डाल देते हैं। तो सीड डालने के लिए अपने पास एक वो होगा यार, उसको बाहर निकालते हैं, जो कि मुझे पता है ये वाला है ना सीड वाला। तो अपने इंगेट तो बन गए होंगे ना, इंगेट नहीं बने तो ये वाला कुछ काम नहीं कर रहा, तो इसकी जगह पर ये दे देते हैं। और भाई तुम मेरे साथ चल, बढ़िया तुम मेरे साथ चल। तो यहाँ पे बैरी वैरी डाल, हाँ बढ़िया है, ये सीड भी डाल है। और इसके साथ साथ मेरे को एक वाटर टाइप चाहिए होगा, जो इसमें पानी डाल सके। तो अपने एक काम करते हैं, लेवल इसमें बढ़ गया होगा अपना, एक लेवल बढ़ाते हैं और वाटर टाइप इसमें निकालते एक। तो बिल्डा स्टैचू ऑफ पावर, हाँ स्टैचू ऑफ पावर ये बना लेते हैं यार मेरे को। और अब इसके साथ साथ मैं एक वाटर वाला भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ,
और ये अपना कोई काम नहीं कर रहा ना, तो इसकी जगह पे ये लगा देते हैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ पावर भी यहीं कहीं होगा यार, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पर है। ये रहा स्टैचू ऑफ पावर, तो इसको अनलॉक करते हैं। और ये अपना रहेगा बिल्कुल बेस के ऊपर, तो इसको बेस के ऊपर लगा के आते हैं। देखो बिल्कुल यहाँ पे लगेगा ये, तो इसको भी निकाल लेते हैं स्टैचू ऑफ पावर, और इसको बिल्कुल यहाँ पे लगाते हैं ना इसके सामने। तो कितनी देर लगेगी अपनी यार कैप्टिवा को निकाल लेते ना यहाँ पे। कैप्टिवा काम करवा भाई मेरे साथ यार थोड़ा सा, इसकी वजह से यार काम जल्दी हो जाता है। और हमारा यहाँ पे स्टैचू ऑफ पावर भी बन चुका है, जो कि अभी रुक जाओ, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप दिख रहे हैं यहाँ से। देखो स्टैचू ऑफ पावर अब कितना मस्त लग रहा है अपने एकदम बेस के ऊपर, मतलब अलग ही ऐसा लग रहा है ना, कुछ बंदा खड़ा है वहाँ पे जो कि है, और भाई साहब इतना मस्त लग रहा है। उसके मैं उसकी जगह पे यहाँ पे लगाया था तब भी इतना शायद इतना सही नहीं लगता जितना एकदम ऊपर टॉप पे लग रहा है। तो भाई साहब ये चीज़ मेरे को समझ सही लगी है। और लेकिन इससे हम कर क्या सकते हैं, इससे पहले मैं देख करता हूँ। तो इससे हम जो है इनहेंस प्लेयर स्टेटस इनहेंस पाल, तो ऐप से हम अपना जो है इनहेंस कर सकते हैं। यूज़ वन लेफमक एफिजी टू इनहेंस, अच्छा ये काम होता है एफिजीज का, अपने हम प्लेयर को इनहेंस कर सकते हैं भाई साहब। और पाल्स वाला भी था, तो पाल्स का किससे कर सकते हैं हम, पाल्स का तो पाल्स का हम सोल से कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ सही है, लेकिन अभी अभी हम नहीं डालेंगे इसमें, अभी हम बाद में डालेंगे जो कि सही एकदम, और भी बढ़िया देख के और भी डालेंगे। और यहाँ पर मेरे को कोई दिखा था, ये कौन है, वॉन्डरिंग मर्चेंट, तो वॉन्डरिंग मर्चेंट ये क्या लाया भाई हमारे लिए। वेलकम, आई गॉट सम गुड्स आइटम इन स्टॉक, बाय करते हैं देखते क्या क्या लाया। ये तो है अपने पास, और ये क्या है स्किल फ्रूट, स्किल फ्रूट अभी तक हमको नहीं मिले ना अपने इसमें। और एग भी है, ये क्या है मिल्क, मिल्क काउ से मिलता होगा। और बीट भी है, और जो है एमओ एमओ भी है, तो इसकी तो अभी यार कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास इतने कॉइन है अपने पास। गोल्ड ये 300 गए अपने पास, 275 है यार, अभी तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो रहने दो ठीक है, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे इसको। और मेरे को एक बेड और बनाना है यार अपने इनके लिए, ठीक है एक बेड और बनाना है मेरे को इनके लिए, तो बेड ही बना लेता हूँ मैं। और यहाँ पे जितने भी स्टोन है ना सब उठा लो यार, एकदम स्टोन उठाते ऐसे ग्लिच से आवाज आती है भाई, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे एरो बन गई थोड़ी सी और लगा रखे, कोई नहीं वही हो जाएगी तैयार। तो कितनी एरो है, 149 भाई साहब, बहुत बहुत एरो। और अपने यहाँ पे पाल बॉक्स भी यहाँ पे बन गए, मतलब पाल बॉल भी यहाँ पे बन गई। और अपनी जो स्टोन वुड का काम भी अब बढ़िया हो रहा है, अपने पास वुड भी आ रही है। और ये मर्चेंट यहीं पे घूमता रहेगा क्या, मार दूंगी इसको, नहीं चलो रहने देता हूँ। और अपने भाई साहब जो बेस है, बेस भले ही इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जो उसके ऊपर जो भाई साहब मूर्ति बनी हुई है ना, स्टैचू बना हुआ है भाई साहब, एक नंबर का है। यहाँ पे अपने पाल बॉल अपग्रेड भी आ गया, तो इसको अपग्रेड भी कर लेते हैं। और अपने पास कौन सा 6 लेवल हो गया, बिल्ड अ क्रशर, बिल्ड स्टोन पिट, बिल्ड लॉगिंग साइट। तो ठीक है गाइस, हमने जैसे ऐसे जो है अपने स्टेयर लगा लिए। तो स्टेयर मैंने कैसे लगाया पता है, इसमें एक ट्रिक होती है, जैसे कि मैं जैसे देखो यहाँ पे मैंने स्टेयर लिया अपने, और अगर मैं स्टेयर यहाँ पे लगाऊँ ना तो ऊपर लगेंगे ऐसे, इस साइड भी होगा बिल्कुल, जैसे इसमें यहाँ पे लगाऊँगा तो ऊपर लगेंगे, वैसे अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ ना तो ये नीचे लगेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है जिसमें जिसकी वजह से मैंने पता क्या कर रहा, मैंने यहाँ पे वॉल लगा दी थी सारी, और फिर वॉल को अटैच करते हुए सारे जो स्टेयर लगा दिए और वॉल सारी तोड़ दी दोबारा से। तो ये काम करा है हमने जिसकी वजह से हमारे जो स्टेयर यहाँ पे लग पाए। लेकिन उस साइड में यार पता नहीं इस साइड में क्यों नहीं लग रहे, हो सकते ये ट्री की वजह से यहाँ पे जो स्पॉन होता हो। और मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, तो उसके लिए पहले हमें जो है वॉल लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे वॉल लगाई और उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेयर लगा दी। देखो अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं लग रहा, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे लगाऊंगा तो लग जाएगा, लेकिन ये ख्याल से पेड़ बीच में आ रहे हैं इसके से यहाँ पे नहीं लग रहा। तो कोई बात नहीं, इसको भी बाद में देख लेंगे, और इसको तोड़ देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बेस है ना वो यहाँ पे बन के तो तैयार हो चुका है पूरा, बस हमें जो है अब अपने लिए एक फ्लैट चाहिए, तो फ्लैट भी आप आसपास में ढूंढ लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने देखो यहाँ पे इसकी कोशिश में ना अपने स्टोन वाले भी सारे ओपन कर दिए, तो स्टोन वाला भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टोन ज़्यादा चाहिए हो, इसलिए मैं अभी स्टोन पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे स्पेयर है ना अपने, हाँ तो यहाँ पे 68 स्पेयर है, यहाँ पे मेरे को फ्लायर टेम करना है, तो फ्लायर भी देख लेते हैं। और अपने यार इस पर चल के देखते हैं ना कैसा चलता है, इसके अटैक भी मैंने अभी तक चेक नहीं करे। ओ भाई साहब एक बार में, अच्छा उसकी तरह है माइनक्राफ्ट में वो होता है ना जो वेंडिंग ट्रेडर के साथ आता है, क्या नाम होता है यार उसका, नाम मैं भूल गया। और देखो एक बार में भाई साहब एक बार में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। एक अटैक तो इसका ये है, और ई से क्या होता है,
ई से फ्यूरी अटैक है और सी से भी इसका अटैक है कोई। अच्छा सी से थूक मारता है, तो इसका ये वाला अटैक बढ़िया है, एयर वाला, तो ये एक बारी में इसे खत्म कर देता है, तो ये बढ़िया। लेकिन यार अपने को एक फ्लायर चाहिए, फ्लायर आसपास में, कल यार मेरे को दिखा था एक फ्लायर आसपास में अपना, आज नहीं दिख रहा। और ऊपर 248 पे क्या बन के आ रहा है, अच्छा वो है अपना फास्ट ट्रैवल के लिए। तो यार इधर चलते हैं और देखते हैं अपने पास कोई फ्लायर मिले, बढ़िया सा फ्लायर चाहिए मेरे को आज। तो ये जगह देखो यार कितनी खुली खुली मस्त जगह है, बिल्कुल ये जगह भी बढ़िया है। और एक साइड यार घूम रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को यार कुछ फायर वायर सा दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी चल के देखना पड़ेगा। और ये लिफ्ट मंग तो आ गया था अपने पास, और वहाँ पे देखो कोई नया, ओ भाई ये अपने आप ही मर गया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, अपने आप ही मर गया। तो ये कौन से डायर वुल्फ भाई साहब, अभी इनसे पंगे नहीं लेंगे, अभी यहाँ से चलो। मेरे को यार अभी फ्लायर चाहिए खाली अपने पास। और ये कौन से ये भी कुछ नया है, अब भाई साहब बहुत तेज है। और मेरे को एक वहाँ पे ह्यूज एग भी मिला है, जिसमें से हमको ये मिला था। और ये कौन मार, चल सब पिल गया, एक नहीं पिल गए। तो ये मेरे ख्याल से वूल ड्रॉप करते होंगे ना, वूल उठा लेते हैं, वूल भी यार बहुत काम आता है अपने। और यहाँ पे मेरे को एक ह्यूज एग भी दिखा था, ये रहा ह्यूज है, कौन सा ये कॉमन है, मतलब ऐसा ही दिखा था मैं ह्यूज एग वाला, जिसमें से ये निकला था हमारा, इसका क्या नाम है, मेल्फासा है जिसका नाम। तो इसको भी देखते हैं, इसको भी यहाँ पे टेम कर लेंगे। मैं लेने दे भाई यार, ये पहले यार इसका कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत गंदा ग्लिचर, मेरे को लग रहा सही है लेकिन बहुत गंदा है, ये अपने आप मारने लगता है यार, मेरे को मारना भी नहीं होता तब भी। और ये भी नहीं है ना अपने पास, अब एक बारी में पेल दिया यार इसने तो। एक काम करता है, इसको अंदर लो। और यार इसका कुछ बताओ यार ग्लिच क्या है, कैसे सही करूँ मैं इसको, ये अब मेरे को बेकार लगने लगे, क्योंकि किसी को भी भाई लो करना होता है ना, ये इसको पूरा ख़त्म कर देता है। और मेरे को यहाँ पे थोड़ी जगह यार गलत सी लग रही है, गलत जगह तो नहीं आ गया मैं। तो देखो यहाँ पे एक और घूम रहा है मेल्फासा, और यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ से मेरे गोलियों की आवाज़ भी आ रही है, सिंडिकेट। ओ भाई साहब इनके पास यार बंदूक है, गलत ही बंदे लग रहे हैं ये, तो इनके पास तो यार अभी नहीं जाएंगे भाई, बंदूक वाला बंदे के पास नहीं जाएंगे अभी, अपने पास बंदूक नहीं है। एक बार अपने पास ही बंदूक हो जाए ना फिर देख लेंगे इनको। तो अपने यार फ्लायर, तुमको पता है यार कहाँ मिलते हैं फ्लायर, एफपीजी दिख रही है मेरे को यहाँ पे, बढ़िया एक एफपीजी मिल गई। और यार फ्लायर कहाँ मिलते हैं, फ्लायर मैप में देखो, मैप में आ रहा है कहीं पे, हम देखो यहाँ से यहाँ पर आ गए बिल्कुल पैनकिंग के पास आ गए हम यहाँ से यहाँ पे, लेकिन एक भी फ्लायर नहीं दिखा मेरे को अभी तक। और यहाँ पे एक फास्ट ट्रैवल है, चलो कोई नहीं यार देख लेंगे उसको भी, अभी पैनकिंग से पंगे नहीं लेंगे इसको, अगले एपिसोड में देखेंगे। और ये रहा फ्लैट देखिए 11 लेवल का भाई साहब, तो इसके लिए मेरे को इसमें हो जाएगा, ये मेगा बॉल चाहिए होगी इसके लिए तो मेरे को, चलो कोई नहीं करके देखते हैं, नहीं तो मार देंगे। आजा भाई आजा, वो एक बारी में, अबे भाई तू कहाँ चुपक गया, अबे इधर आना कहाँ जा रहा है, अरे रात भी होने वाली है यार, जब ज़्यादा काम पड़ता है ना जब ही रात होती है। तो बढ़िया यहीं पे फंसा के रखो इसको। ओ भाई साहब मेरी शील्ड गई, एक बार इससे करके देखेंगे, मेगा स्पेयर अपने पास एक ही है, 100% दिखाता रहा है, 100% भाई साहब हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। तो अपने पास ब्लडी बॉडी, चलो यहाँ पे यार अपने पास एक फ्लायर तो आ चुका है, और एक बार घर चलते अपने, और दोबारा से मैं इसकी जो सैडल ही बनानी पड़ेगी, और सैडल देखते से क्या क्या लेता है। ओ एक और है, एक और पकड़ लेते यार, लेकिन यहाँ पे मैगा नहीं है, मेरे को पाल स्पेयर से ही करना पड़ेगा, थोड़ा इससे दूर जाओ। और पता नहीं अंधेरे में यार तुम लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको भाई साहब नहीं छोड़ूंगा। अब भाई खुद ही आया रास्ते में, हम तो घर जा रहे थे अपने आराम से। बढ़िया इसमें आ जाना चाहिए, 63 है, आ जा, बहुत बढ़िया 900%, ये भी हो गया। चलो हमको दो मिल गया, हमको एक चाहिए था लेकिन दो मिल गए, ये बढ़िया है। और यहाँ पे एक एफपीजी है, क्या है, नहीं ये दूसरी चीज़ है। तो भाई अभी और किसी से पंगे नहीं लेने, हमें बस अब खाली घर जाना है अपने, जो कि इस साइड में ही है। तो इस साइड में एक फास्ट ट्रैवल है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से सिंडिकेट गनर, सिंडिकेट गैंगस्टर थग, तो भाई इनसे पंगे नहीं ले सकते यार, अभी इस साइड में चलते हैं।
यहाँ पे मेरे को एक थोड़ा अलग सा लग रहा है यार, ये कोना फंसा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम भी नहीं दिख रहा, तो छोड़ यार इसको अभी छोड़ो। और वहाँ पे मेरे को एक फास्ट ट्रेवल दिख रहा है, अगर मैं उसके पास चला गया तो घर पे पहुंच जाऊंगा ना आराम से। एक काम करते हैं, इससे उतरते हैं और अपने ऐसे चलते यार, मैं डायरेक्ट यहीं से फास्ट ट्रैवल कर लूँगा एक बार वो मिल जाए मेरे को। अरे मेरे को ऊपर क्यों दिख रहा है भाई, नीचे नहीं है क्या? नहीं ऊपर है, ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसा हमारे यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है और हम जो यहाँ पे दो जो उड़ने वाले नाम के आते हैं, नाम भी नहीं मैं देखे मैंने उनके, उनके नाम थे निटविंग। तो यहाँ पे हमको दो निटविंग मिले हैं और जिसमें से ये 11 लेवल का, ये 10 लेवल का, और इनका जो एबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। और किसकी जगह पे रखो, मैं इसकी जगह पे रखता हूँ। और सारे हमारे क्या कर रहे हैं, इन गुड कंडीशन है, काम कोई नहीं कर रहा क्या? तो थोड़ी लकड़ी वकड़ी कटवा देते हैं यार, इनसे क्या दिक्कत है। तो इसकी जगह पे रख देता हूँ मैं, ये अपनी जो लकड़ी तोड़ता रहेगा और बाकी सारे गैदरिंग करते रहेंगे, ठीक है? अपने ये काम भी होता रहेगा। और उसके बाद जो हमारे जो फ्लायर है, फ्लायर कहाँ गया भाई, फ्लायर तो रहा, लेकिन इसकी अभी सैडल अनलॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद ही पता चलेगा और क्या क्या एबिलिटी है इसमें। तो इसमें देखते हैं पहले इसके टेक्नोलॉजी पॉइंट में, अपन को इसको अनलॉक करना पड़ेगा ना। तो इसमें निटविंग, निटविंग का कहाँ पे आता है, ये रहा निटविंग सैडल। तो इसके लिए हमें, हमारे पास लेदर नहीं है और क्लोथ नहीं है, तो क्लोथ तो मेरे ख्याल से बन जाने चाहिए, इतने होंगे मेरे पास, क्लोथ तो बन जाएंगे, बस लेदर लेके आने पड़ेंगे मेरे को। और यार ये देखो अपने बेस के पास नए नए तरीके पाल आए हैं, जिसका नाम है हुक्रैक्स, हुक्रैक्स, इसको पकड़ के देखे क्या? रुको ओ भाई साहब, अबे इन्होंने क्या कर दिया भाई, पकड़ना था यार, मारना नहीं था, दोनों को मार देगा। नहीं यार इसका कुछ करना पड़ेगा, ये टीम अच्छे खासे टीम को मार देता है ये। और एक है मोटिवेशन लीडर, इसको भी पकड़ते हैं, 62 है, हो जाना चाहिए। और ये डेड ड्रीम अपनी है, नहीं अपनी नहीं है, डेड ड्रीम को भी पकड़ते हैं। तो भाई साहब कहाँ कहाँ से मार रहे हैं, एकदम पावरफुल वाले अटैक है ये, गलत पंगा ले लिया क्या? इसको भाई बाहर निकाल, तो ही मार, अबे उसको मार दिया पागल, इसने एक डॉच कर दिया भाई साहब, डॉच भी करते है। तो देखते हैं ये भी आ जाना चाहिए 50 पे, 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई साहब एकदम से कितना इंटेंस मोमेंट हो गया था, सारे के सारे पीछे पड़े थे। और कौन पीछे पड़ा है भाई, एक और डेड ड्रीम, ये अपना नहीं है ना भाई, डेड ड्रीम बहुत बढ़िया काम करता है, अगर डेड ड्रीम है ना तुम्हारे पास अर्ली गेम, इनकी गैदरिंग भी सही है, ये हैंड वर्क भी बढ़िया करते हैं। और बस ये इनकी ये वाली बॉल से बच के रहना, बहुत खतरनाक डैमेज देते हैं बॉल इनकी। मार मत भाई, मार मत यार, इसको मैं अंदर कैसे ले जाऊँ, बहुत गंदा ग्लिच है यार ये, इसका कुछ बताओ यार, बताओ इसको मैं क्या करूँ, मैं कैसे फिक्स करूँ। और मेरे को यहाँ पे लेदर चाहिए थे, इनसे लेदर मिला है क्या किसी से? फाइबर मिला है, लेदर दो ही है यार, और चाहिए मेरे को लेदर। तो भाई साहब ये क्या रेड, रेड कैसे आ गई, कहाँ से आ रही है रेड? इसे ऊपर से आ रहा है, अबे कब तक आएंगे वो? और यहाँ पे मेरा वेट यार, ये मेरे पहले ना सारा वेट मेरा ही बढ़ा देंगे यहाँ पे, इसको रखो इसमें जल्दी से। कौन आ रहे हैं? वेयरवुल्फ है एक, और दो भाई अलग तरीके से, दो अलग तरीके, कोई नहीं आने दो, देख लेंगे अपने बेस पे, बहुत पिलेंगे भाई यहाँ पर आ गए तो। भाई एक तो वैसे गया, इनको पकड़ लेता, पकड़ लेता, चल भाई आ गया आ गया आ गया, ये तो आ गया। ओ भाई साहब दो आप ये भी गए, दो आप पाल भाई साहब, नई तरीके मिले हमको। और जो कि अपने आप ही रेड करने आए थे हमारे पास, कहाँ गए वो? ये रे एक तो ये मिला मेरे को, ये है लिस्पंक, लिस्पंक है 5 लेवल का, और एक ये डियर वुल्फ है 5 लेवल का। ये हैंडी वर्क करते नहीं करते, 1 है हैंडी वर्क, ज़्यादा होते तो करवा लेते यार इनसे, क्या दिक्कत है, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं यार। और इनसे हमें लेदर मिला है क्या? लेदर की हमें कमी थी, हाँ 10 लेदर हो गया, तो बढ़िया यार लेदर चाहिए, तो मेरे को खुद ही आ गए यहाँ पे लेदर देने। तो इसमें जाता हूँ और मैं अपने फ्लायर के यहाँ पे जो है बना लेता हूँ। और अपने पास कोई हेल्प करने आ रहा है भाई? अरे एक ही बंदा है जो हेल्प करवाते हैं हमारी लैम्बल, और कोई तो हेल्प ही नहीं करवाता, सारे अपने अपने कामों में लग रहे हैं। अपने मैं उसको निकालता ना कैप्टिवा का, ये हेल्प करवाएगा। तो हमारी यहाँ पे सैडल भी तैयार होने वाली है नेटविंग की, और जो कि तैयार हो चुकी है, और इसको अंदर करते हैं। और यहाँ पे सारी वुड खत्म हो चुकी है ना, तो एक तड़ियर को मैं अंदर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बाहर निकाल लेता हूँ चिपमंक। ओ कैप्टिवा, कैप्टिवा अपने जो स्टोन स्टोन इकट्ठा करते हैं, जैसे ये करते हैं ना
वुड गैदर करता है, वुड मतलब तोड़ता है, वैसे ही है स्टोन तोड़ता है। तो अपने पास भाई साहब बहुत सारी स्टोन और वुड हो जाएगा फ्री में, ऐसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। और हमारे जो सैडल बन गए ना, इसके एक काम करता है, इसको निकालते हैं बाहर और एक बार इसको फ्लैग रख देते हो। भाई साहब इसका क्या क्या अटैक है। अच्छा, स्पेस से ऊपर जाता है और कंट्रोल से नीचे जाता है और शिफ्ट से ये करता है, ठीक है। तो एक बार इसका अटैक यार यूज़ करके देखते हैं किसी पे, तो इस पर कैप्टिवा पे यूज़ करके देखते हैं। ओ भाई साहब ये थोड़ा सही है लेकिन गलत जगह हो गया, ठीक है। इसका द्वार से और निशाने एकदम सही भाई, बिल्कुल। बस इसका निशान यार थोड़ा गलत है, बाकी मार तो सही रहा है। एक बार निशाना सही लगाते हैं यार, बिल्कुल इसका एरो एकदम सही जाना चाहिए। अच्छा निशान ऐसे नहीं होता भाई, जिस साइड मुंडी रखेगा उस साइड जाता है वो, ठीक है। अब समझ गया, अब सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका एरो देख रहा हूँ, एरो नहीं देखना यार, मुंडी देखनी है इसकी। तो बढ़िया भाई साहब बढ़िया। उसके बाद ई से क्या है, ई से एयर कैनन है, जैसे ये मारते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो और क्या, सी से कुछ नहीं है इनकी, तो बस ये मुंडी देखनी पड़ेगी। मुंडी जिस साइड होती है उसी साइड मारता ही है। और इनको मैंने अपने आप पकड़ा भी नहीं ना, खाली उससे मिला ही तो। और अब भाई साहब मार दिया इसके, यार यही दिक्कत है, मार देता है ये। और कोई भी है क्या? नहीं और कोई नहीं है यार। डेड ड्रीम की यही दिक्कत है यार, ये मार देता है, ये गैदर वो नहीं करने देता, कैच नहीं करने देता। तो इसको भूख भी यार कितनी तेज लगती है इसको भूख, ठीक है। अपन क्या ऊपर चलते हैं। इसका अटैक यार इतना सही नहीं है, बिल्कुल मुंडी इसकी सीधी रखनी पड़ेगी इसका अटैक करने के लिए, ठीक है। अपने पास एक फ्लैट तो आ ही गया कम से कम। तो ठीक है ऐसे यार, आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। और आज हमने यार बहुत सारी चीज़ें कर ली, हमने अपने लिए एक बेस बना लिया और अपने लिए एक फ्लैट टेम कर लिया, जो कि अब हम जो है और भी बायोम में जा सकते हैं, और भी जगह पर जा सकते हैं। और अगले एपिसोड में क्या करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ इसके पास पैन किंग के पास। तो इसको 15 लेवल का ये मेरे ख्याल से यार मार देने चाहिए हम इसको, नहीं तो पता चले हम ही मर जाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अभी मेरे पास जो है, अभी मेरे पास जो है स्टोन के एक्स और पेएक्स थे, अब मेरे पास जो है मेटल की भी यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है। और अपने जो हमने दो दो फर्नेस लगा रखे हैं वहाँ पे, और इसके साथ साथ अपने पास बगल में जो और आता रहता है वहीं से मैं तोड़ के वहीं पे लगाया था सारा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग भी लगा दिया थोड़े, अपने जो है हम फार्मिंग वार्मिंग में भी आ चुके हैं अब, और धीरे धीरे करके अब हमारा जो है और भी अपग्रेड हो रहा है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।